हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज़बरदस्त रेस्टोरेंट जैसे छोले और कुलचे। तो हाँ, यहाँ पर हमने लिया है मैदा। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 बड़े कप मैदा। इसमें हमने ऐड कर लेना है पिंच ऑफ सॉल्ट। इसमें हम ऐड कर लेंगे पिंच ऑफ कुकिंग सोडा। 1/2 टीस्पून इसमें हम बेकिंग पाउडर ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगी 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और इसको हम पानी से गूंद लेंगे। एक सॉफ्ट सा डो हम तैयार कर लेंगे और फिर इस डो को हमने रख लेना है साइड में तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। जब तक हमारा डो सेट होता है, यहाँ पर हम सोक किए हुए छोलों को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ओवरनाइट सोक किए हुए छोले। उसमें हमने ऐड कर लेना है पिंच ऑफ कुकिंग सोडा। उसी में हमने ऐड कर लेना है हल्दी थोड़ी सी और 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर लेंगे ऑयल। ऑयल मैं इसीलिए ऐड कर रही हूँ ताकि जो ड्राइनेस छोलों में आती है वो ना आए छोलों में। तो यहाँ पर 1 से 2 विजल्स में हमारे छोले सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसको हम पानी से अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम छोलों की ग्रेवी बना लेंगे। तो पैन में हमने ऐड कर लेना है 2 बड़े चम्मच ऑयल। उसमें मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 ग्रीन चिलीज़ को फाइनली चॉप किया हुआ ग्रीन चिलीज़। और साबुत गरम मसाला में हमने लिया है शाहज़ीरा, 1 तेज़पत्ता, 3 इलायची और दालचीनी, फाइनली चॉप की हुई अनियन हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको सॉटे कर लेंगे तब तक अनियन हमारी हल्की सी ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। अनियन ट्रांसपेरेंट होने के बाद हमने इसमें ऐड कर लेना है और जिंजर गार्लिक पेस्ट, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और इन सभी चीज़ों को अच्छे से कुक कर लेंगे। जैसे ये सारी मसाले हमारे ऑयल में कुक हो जाएंगे, इसमें हम ऐड कर लेंगे टोमेटो प्यूरी। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी बना के तैयार कर ली है, वो इसमें हम ऐड कर लेंगे और टोमेटो प्यूरी को भी हम कुक कर लेंगे। तब तक कुक करेंगे तब तक टोमेटो प्यूरी की रॉ स्मेल सारी चली नहीं जाती। इसको तकरीबन लगेंगे 2 से 3 मिनट हम इसको कुक कर लेंगे और फिर इसमें हम ऐड कर लेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। जैसे ही हमारे ग्रेवी पक्के तैयार हो जाएगी, इसमें हम ऐड कर लेंगे चाट मसाला पाउडर, किचन किंग मसाला पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। इन सभी चीज़ों को हमने कुक कर लेना है। जैसे ही हमारे सारे मसाले कुक होके तैयार होते हैं, ऑयल सेपरेट हो जाता है, हम इसमें ऐड कर लेंगे बॉईल किए हुए छोले। ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे बॉईल किए हुए छोले, इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। छोले भी हमारे ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुके हैं तो हम इसको बस 5 से 2 मिनट पका लेंगे ताकि ग्रेवी के साथ पक जाए छोले। और यहाँ पर मैं जो है छोले को स्पून से हल्का हल्का दबा रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ ताकि ग्रेवी हमारी जो है वो अच्छी थिक हो जाए। सारे छोलों को मैं प्रेस नहीं करूँगी, बस थोड़े से जो छोले होते हैं उनको मैंने हल्का स्पून से प्रेस कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी 1 कप पानी और हमने ग्रेवी को और अच्छी तरह से कुक कर लेना है। 5 से 10 मिनट कुक कर लेने के बाद यहाँ पर हमने ऐड कर लेना है कसूरी मेथी। आप देख सकते हैं ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है और जो मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए थी ग्रेवी की वो भी तैयार है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर ली हूँ चॉप किया हुआ कोरिएंडर लीव्स। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और दम पे हमने 5 से 10 मिनट इसको कुक कर लेना है और फिर हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना है और हम छोलों को रख लेंगे साइड पर। ये हमारे छोले बनके तैयार हो गए हैं। अब हम तैयार कर लेंगे हमारे कुलचे। तो आटा हमारा जो है वो अच्छी तरह से सेट हो चुका है। हमने इस तरह से पोर्शंस में इनको इक्वली डिवाइड कर लेना है और फिर इस तरह से हमने उसको बेलन की हेल्प से लंबा बेल लेना है। जिस तरह से कुलचों का शेप होता है उसी तरह से हमने इनको बेल लेना है। कुलचों को बेल लेने के बाद ऊपर हमने ब्रश कर लेना है पानी। पानी के साथ हमने ऊपर ऐड कर लेनी है कलौंजी। कलौंजी सीड्स हम इस पर ऐड कर लेंगे और चॉप किए हुए कोरिएंडर लीव्स हम इस पर ऐड कर लेंगे और इसको हल्का सा बेलन से बेल लेंगे ताकि जो हमारी कलौंजी है वो अच्छे से स्टिक हो जाए ऊपर। और फिर हमने इसको तवे पर सेक लेना है। यहाँ पर मैं इसको मीडियम हीट पर कुक कर लूँगी लिड को बंद करके। दोनों साइड से हमने उसको अच्छी तरह से कुक कर लेना है।
धीमी आंच पर ही हम इसको पकाएंगे। अगर आपकी आंच तेज़ होगी तो वो ऊपर से जल जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो इस बात का आप ख्याल ज़रूर रखें कि आप इसको लो टू मीडियम हीट पर ही कुक करें। तो हम इसको टर्न कर लेंगे और फिर मज़ीद हम 5 मिनट पका लेंगे लिड को क्लोज़ करके। और इसी तरह से हमने कुलचों को तैयार करना है। और यहाँ पर मैं इनको पलटा लूँगी और हल्का सा ऊपर घी या फिर आप कोई भी बटर ग्रीस कर सकते हो। यहाँ पर मैं घी ब्रश कर रही हूँ। छोले और कुलचे बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। इस रेसिपी को आप लाजमी ट्राई। स्नैक टाइम में ये रहे हमारे कुलचे तैयार, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस और टेम्पटिंग छोले तैयार है। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।